हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का जो था हमने डिस्कस कर लिया था बाय हाउ टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में हमें क्या है कि हमें, जैसे हमने हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से। इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास एक इस तरह का बच गया था। मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरह की कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो उसका क्या। अब इस बार का मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3 एंड सो ऑन। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है या इरैशनल है? तो अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज करना सीखेंगे इन पी बाय क्यू फॉर्म। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो। लेट गिवन टर्म इज एक्स, गिवन टर्म इज एक्स। अब मुझे ये देखना है कि जो भी टर्म हमें दी गई है उसमें जो बार है वो कितनी डिजिट्स के ऊपर है। डेसिमल के बाद जो बार आया है वो कितने डिजिट्स पे आया है? टू डिजिट्स पे। कितने डिजिट्स पे आया है? टू डिजिट्स पे बार है, मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं? दो डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई दिस बाय 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 10^2 से। मान लो अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 4.3 bar, तो इसमें जो मैंने लेट करूँगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? 10 से, क्योंकि बार कितने नंबर्स पे आया है? वन डिजिट पे आया है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10^1 से। अगर किसी में तीन डिजिट्स पर आ जाए, जैसे मैंने लिखा 2.341 ये, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बाय 1000 से। तो जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने 10^1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। यहाँ पर एक्स था, बार दो टर्म्स के ऊपर था, तो इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10^2 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन की। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, दिस इज 100x, 10^2 इज 100, सो दिस इज 100x इज इक्वल टू। अब ये जो टर्म है तो ये है 2.53535353535353, पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। तो इसका मतलब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 253.53535353... क्योंकि मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स थे, लेकिन मुझे ये पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो शिफ्ट हो जाएगा राइट में डेसिमल, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीन पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2.53 जो ये जो 53 था, ये जो डेसिमल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, हम क्या करते हैं, बड़ी जो वैल्यूज आ गई हमारे पास ये हो गया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 100x राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होएगी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा हमारे पास? 99x इज इक्वल टू में देखो क्या होने वाला है, इज इक्वल टू में ये होने वाला है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ऐसे, 2.53535353 सो ऑन। ये जो टर्म होगी इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है, सो दिस इज 2.53535353 एंड सो ऑन। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं माइनस करूँगा, देखो 5353, ये जो 330 हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 251, सो दिस इज 251.0, 251 के बाद कुछ भी नहीं है। सो एक्स विल बी 251 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जो एक्स जो था 2.53 बार के इक्वल था, वही एक्स किसके इक्वल आ गया, 251 बाय 99 के। तो इसका मतलब अगर मैं इनको डिवाइड करके देखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा,
2.535353 आएगा, तो इसलिए मैंने इस रिपीटिंग डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पी बाय क्यू फॉर्म में। थैंक यू।